नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। जहां सुधराणा गांव में हम पहुंचे थे कुछ देर पहले, हमने आपको यहां की जो स्थिति थी वो दिखाई, और यहां जो रेलवे स्टेशन के पास में जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में हम अब ग्रामीणों से जान लेते हैं। बाबा, आप बताइए क्या क्या समस्याएं यहां रेलवे स्टेशन के आसपास? रेलवे स्टेशन के आसपास एक तो पानी है रास्ते में, दूसरा शेड नहीं है हमारे प्लेटफार्म पर, भाई ये दो ही समस्या है। पानी वगैरह की समस्या? हाँ, पानी की है जी, पानी की समस्या भी है। हाँ, पानी की है। तो है, आप देख सकते हैं जी। आप बताइए बाबा क्या क्या समस्या है? भाई यही समस्या है जो बताया है जी, पानी की समस्या है, ये खड़ा है, बस यही समस्या। कई गांव का रास्ता है, आम रास्ता है, गुआंड का रास्ता है, वो बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, और स्टेशन पे टीन शेड नहीं है, और पानी की भी समस्या है, पानी की भी समस्याएं हैं, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। आप लोगों ने पहले भी कभी इन चीज़ों की शिकायत वगैरह की है? हाँ, शायद पंचायत लेवल पे शिकायतें हुई हों, और हुई है इनकी शिकायत। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अपने कैमरामैन से कहूँ कि यहाँ पानी अभी भी भरा हुआ है रास्ते के अंदर में, और उसी पानी की, क्योंकि अगर बारिश वगैरह के समय में तो और भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाती, क्योंकि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है जब बारिश वगैरह होती है। जी, आप कुछ कह रहे थे बाबा, बताइए। गाँव के 100x100 मैं पानी भरा हुआ, 10 फीट पानी है, और उसमें इतना गंदगी और मच्छर है, आदमी निकल नहीं सकता, इतनी बदबू मारती है। बीमारी फैलने को खतरों से, बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है, उसमें बुरी तरह से बदबू आती है। उसका भी फोटो खींच के ले जाना। तो देख सकते हैं आप, जो भी समस्याएं हैं वो ये बता रहे हो। अभी हम रेलवे स्टेशन के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे भी पानी और शेड की जो समस्या इन लोगों ने बताई है उसको भी जानने की और देखने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कैसी क्या समस्या। रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और यहाँ हम देखेंगे कि पानी की क्या व्यवस्था है। सर, आप एक बार आगे आके एक बार पानी के बारे में, और ये जी ये पानी एक बार पी के आप पी लो। जी जी, तो ये पानी आप देख सकते हैं कि बहुत ही खारा पानी है, पीने लायक नहीं है। इनका कहना यही है कि आप पी के देखें इस पानी को, तब अपने आप पता लग जाएगा कैसा पानी है। और आगे जो इन्होंने थोड़ी देर पहले बात की थी, सर आपने शेड वगैरह के बारे में भी बात की थी, तो वो बताइए आप। देखिए सर, स्टेशन बहुत पीछे रह गया, और आप ये खड़े हो यहाँ देखिए, कोई टीन शेड नहीं है प्लेटफार्म पे, और यहाँ कम से कम नहीं तो 8-10 गाँव की सवारियाँ डेली अप डाउन करती हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे परली साइड के प्लेटफार्म पे चले जाओ, चाहे आप इस साइड देख लो, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है इस तरह की, और ये पानी तो पीने के लायक है ही नहीं। नंबर वाला प्लेटफार्म तो इतना नीचा गिर रहा है, जैसे मतलब उतरा भी नहीं जाता, सवारी बहुत परेशान हो रही है। आदमी आ रहा था, हम तो अपाइज आदमी, भाई साहब आप देख लो ना, प्लेटफार्म पे तो कोई किसी नाम की सुविधा ही नहीं है। कोई अपाइज या बुजुर्ग आदमी ट्रेन में चढ़ना चाहे तो चढ़ नहीं पाएगा। बारिश के मौसम में क्या किया जाएगा, सभी मतलब बाहर मतलब भीगते रहेंगे। प्लेटफार्म पर स्टेशन पर पहुंच गए तो ट्रेन निकल जाएगी, बोलो क्या होगा फिर। तो देखें आप, प्लेटफॉर्म की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म इसके बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, और यहाँ पे उसके बराबर जो है इसकी हाइट होनी चाहिए थी, और ये हाइट आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़मीन लेवल की है, जो रेलवे ट्रैक है उसके लेवल की ये हाइट है। तो यहाँ पे हादसे होने की संभावनाएं भी ज़्यादा बनी रहती हैं। आगे की तरफ अगर हम चल के एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से वो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था यहाँ पर थी, यहाँ पर जितना भी पानी है वो खारा पानी है, जो कि पीने योग्य नहीं है, वो इन लोगों ने बताया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो पानी की कोई व्यवस्था, टंकी ज़रूर बनी है, लेकिन अगर कि हम बात करें ठूठियाँ वगैरह जो भी है वो आप इसकी हालत आप देख सकते हैं, पानी भी नहीं है और ठूठियाँ तक नहीं है, पानी तो मिलने की बात ये लग रही है। देखिए आप, सब कुछ इसमें बंद किया हुआ है, और ना टीन शेड की कोई व्यवस्था है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। और आपको मैंने ट्रैक के साथ भी वो दिखाया कि ट्रैक से कितनी ऊँचाई पे जो प्लेटफॉर्म की वो है, ये दीवारी जो बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इसके नज़दीक है। और सवारी आती दूसरे प्लेटफॉर्म पे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन से टिकट लेकर जी सवारियां आती हैं दूसरे प्लेट यार्ड पे जाती हैं, तो हादसा हो सकता है। ये कभी भी बुजुर्ग भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, लंगड़े आते हैं, लुल्ले आते हैं। क्या है कि कोई पुड़िए की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भग करके लोग पकड़ते हैं, क्योंकि स्टेशन
पीछे रहेगा, प्लेटफार्म बहुत आगे बना दिया। हाँ। टिकट भी लेकर के कोई भक्त आता है तो गाड़ी शो को जाकर रुकती है। हाँ। तो गाड़ी अगर जो टिकट लेके पकड़ना चाहे तो नहीं पहुंच सकते, सो स्टेशन से सो को जाके लास्ट डिब्बा होता है, टिकट लेकर के भी नहीं चढ़ सकता गाड़ी में जी। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके, जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि प्लेटफार्म का जो है ना ये कम से कम 5 फुट की हाइट होनी चाहिए जी। हाँ ये हाइट है मेरे ख्याल में 1 फुट 1.5 फुट जी जी बिल्कुल है। हाँ तो ये हाइट जो है उस प्लेटफार्म 4 फुट की होती है। हाँ 3 फुट में पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग यहाँ पे हैं वो बता रहे हैं कि इसकी हाइट 1-5 फुट के आसपास के लेवल की होनी चाहिए, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे खतरा हर समय हादसे की जो आशंका है वो बनी रहती है, क्योंकि जो भी यहाँ आने वाले यात्री होते हैं वो बीच से ट्रैक को क्रॉस करते हैं, और टिकट लेने के बाद क्योंकि वहाँ पे अगर हम प्लेटफॉर्म की और अगर हम बात करें टिकट घर की तो काफ़ी दूरी है इन दोनों के बीच में, और यहाँ से लोग भागते हुए क्रॉस करते हैं। जो भी अगर बुजुर्ग है या कोई महिला है तो उनको भी यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उस वजह से यहाँ पे खतरा बना रहता है, कभी भी हादसा हो सकता है और हो भी चुके हैं, ये इनका कहना है। हाँ कई हादसे हो चुके हैं यहाँ। हाँ ये तो ये खड़ा ये भी कट गया था चलते फंस गया जी, हो गया काम। तो आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि इनके साथ भी यहाँ पे हादसा हुआ है और इनका पैर जो है वो कटा हुआ है ऐसे ही एक हादसे के अंदर। तो सारी समस्याएं हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इन जो भी हमारी ऐसी वीडियो हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को देखें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्याएँ हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही समस्याएं लेकर के आता रहूंगा। मैं अपने सहयोगी राकेश यादव के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।